Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is type 1 and type 2 error. Earlier also I have discussed with you a topic related to this very topic, that is level of significance in statistics, and this lecture is the extension of the previous lecture, that is level of significance in statistics. तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमेशा हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं. जब भी हमको टेस्ट लगाना है, चेक करना है कि दो ग्रुप्स के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध है, क्या सह संबंध है, तो इट स्टार्ट्स विद द अजम्पशन ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन. दिस इज द नल हाइपोथेसिस. हम इस अजम्पशन के साथ शुरू करते हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं, जो दो समूह हैं पॉपुलेशन के, जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. इसी को नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहा जाता है. द नल हाइपोथेसिस इज द फॉर्मल बेसिस फॉर टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. और जो शून्य परिकल्पना होती है वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के परीक्षण का एक फॉर्मल आधार होती है. मतलब आपको यहीं से शुरू करना होता है क्योंकि ये माना जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं लाएंगे, किसी बायस के साथ नहीं चलेंगे, किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं चलेंगे, न्यूट्रल घुसेंगे आप फील्ड में. By starting with the proposition that there is no association, statistical tests can estimate the probability that the observed association could be due to chance. इस proposition से अगर हम start करते हैं कि कोई संबंध नहीं है, statistical tests जो हैं वो ये probability का estimation कर सकते हैं कि जो observed association है वो chance हो गया, by chance है, है ना? ये बता सकते हैं कि जो हमको प्रेक्षणीय अंतर सहसंबंध दिख रहा है कहीं वो by chance तो नहीं है कि actually वो निहित है. इट्स ऑलवेज पेयर्ड विद एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये हमेशा एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से जुड़ा होता है. हमेशा नल हाइपोथेसिस के साथ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चलेगी. विच इज योर रिसर्च प्रडिक्शन ऑफ एन एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और ए ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. ये जो रिसर्च प्रडिक्शन होता है वो एक्चुअल डिफरेंस, मतलब हाँ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती क्या है हमारा रिसर्च प्रडिक्शन, हम भविष्यवाणी क्या करने जा रहे हैं अपने अनुसंधान से. दूसरी बात, जो ग्रुप्स के बीच का एक्चुअल अंतर या वेरिएबल्स के बीच का ट्रू रिलेशनशिप. देन यू डिसाइड वेदर द नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन योर डेटा एंड द रिजल्ट्स ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट. तब हम ये डिसाइड करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है क्या वो रिजेक्ट की जा सकती है डेटा के आधार पर और स्टैटिस्टिकल टेस्ट के परिणाम के आधार पर. सिंस दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रॉबेबिलिटीज, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मेकिंग द रॉन्ग कंक्लूजन. चूंकि ये परिणाम संभावनाओं पर आधारित होते हैं इसलिए हमेशा ये जोखिम लगा रहता है कि हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं. जैसे कि जस्ट लाइक ए जज कंक्लूजन एंड इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूजन मे बी रॉन्ग. हमें एक जज के निर्णय पे पहुंचने की तरह ही एक इन्वेस्टिगेटर का निष्कर्ष भी गलत हो सकता है. समटाइम्स बाई चांस अलोन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाई चांस जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है. Thus the results in the sample do not reflect reality in the population. इस प्रकार जो results in the sample, मतलब sample से जो परिणाम निकल के आया वो जो जनसंख्या है उसका reflection नहीं कर रहा है. Do not reflect reality in the population and the random error leads to an erroneous inference. और जो ये random error हमसे हो गई है उसकी वजह से हम किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं. ए टाइप वन एरर जिसको कि हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, टाइप टू एरर जिसको कि फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है. तो अ टाइप वन एरर अकर्स इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स ए नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन. टाइप वन एरर तब होती है जब जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को जबकि वो सही है. नल हाइपोथेसिस सही है का मतलब देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन हमने उसको मना कर दिया, मतलब हमने मान लिया कि डिफरेंस है, तो ये गलत हमसे एकदम हमने अजम्पशन ही गलत लगा लिया, तो ये बड़ी त्रुटि होती है. एंड टाइप टू एरर जिसको कि हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं वो क्या कहता है, इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन द पॉपुलेशन. यानी कि देयर इज नो डिफरेंस वाली बात गलत थी, एसोसिएशन था और हमने माना ही नहीं कि एसोसिएशन है, फिर गलती तो ये भी है. Although type 1 and type 2 errors can never be avoided entirely, the investigator can reduce their likelihood by increasing the sample size. The larger the sample, the lesser the likelihood that it will differ substantially from the population. वो कह रहे हैं कि type 1 और type 2 error को कभी भी आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो investigator है वो कम कर सकता है, इनके होने की संभावना कम कर सकता है sample size बढ़ाकर. जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतनी ये संभावना कम होगी कि वो पॉपुलेशन से सब्सटेंशियली डिफर करे. मतलब कहने का कि जितना बड़ा आप सैंपल साइज लेते जाएंगे वो लगभग पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट होता जाएगा.
फिर आफ्टर ए स्टडी इज कम्प्लीटेड, जब एक स्टडी कम्प्लीट हो जाती है, इन्वेस्टर यूजेस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो इन्वेस्टिगेटर है वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाता है, किसे लगाता है, टू ट्राई टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ इट्स ऑल्टरनेटिव, इसके ऑल्टरनेटिव के फेवर में, मतलब हम चाहते तो वही है ना, अपना ऑल्टरनेटिव वाला एक्सेप्ट कर लें तो हम रिजेक्ट करना चाहते हैं नल हाइपोथेसिस को, इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स इन द टारगेट पॉपुलेशन एंड अज्यूमिंग दैट दिस स्टडी इज फ्री ऑफ बायस, फोर सिचुएशन are possible. तो depending on, मतलब इस पर निर्भर करता है कि null hypothesis सही है या गलत है, हम चार निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जिनमें से दो निष्कर्ष तो actually सही निष्कर्ष होते हैं, पर जो दो निष्कर्ष हैं उनमें हम त्रुटियां कर रहे होते हैं, टाइप वन एरर जिसको अल्फा और टाइप टू एरर जिसको बीटा का नाम देते हैं। इससे समझिए, ये कह रहा है कि हम ट्रूथ इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में वो बात सच है, एसोसिएशन प्रेजेंट है और नहीं है, एसोसिएशन है, कोई संबंध है कोई संबंध नहीं है। तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि एसोसिएशन प्रेजेंट है ना, कि भाई नल हाइपोथेसिस कह रहा था देयर इज नो एसोसिएशन, हमने अगर मना कर दिया उनको, भैया नहीं हमारे पास एसोसिएशन है, करेक्ट, तो हम सही बात कर रहे हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया लेकिन एसोसिएशन नहीं था तो क्या है, टाइप वन एरर है। उसी तरह से फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस ने कहा देर इज नो डिफरेंस, बट हमने कह दिया, हमने इसको फेल टू रिजेक्ट, हम मना ही नहीं कर पाए उसको, मतलब हमने मान लिया कि एसोसिएशन नहीं है। अगर हमने ये मान लिया कि एसोसिएशन नहीं है तब तो हम सही बात मान रहे हैं, लेकिन अगर हमने मान लिया एसोसिएशन है तब तो हम टाइप टू एरर कर रहे हैं ना, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना मतलब कि नल हाइपोथेसिस क्या है, देर इज नो डिफरेंस, उसको रिजेक्ट करना मतलब हम मान रहे हैं कि एसोसिएशन प्रेजेंट है, लेकिन फेल करना मतलब हम ये मान रहे हैं कि एसोसिएशन प्रेजेंट नहीं है, तो एसोसिएशन प्रेजेंट नहीं है तब तो करेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन इस फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस के बावजूद अगर हम ये मान रहे हैं कि एसोसिएशन प्रेजेंट है तो हम टाइप टू एरर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको अपने तरीके से समझ लीजिए कि कौन सी भाषा से आप ये बेहतर समझ सकते हैं, पर खेल सारा यही है कि जब हम रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, ये टाइप वन एरर है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स, ये टाइप टू एरर है। अब आप इसको जैसे समझना चाहें, फिर और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि टाइप वन एरर का मतलब रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू मतलब क्या है इसका। एक्चुअली ट्रू का मतलब कि वाकई डिफरेंस नहीं था लेकिन हमने उसको मना कर दिया, मतलब हमने मान लिया डिफरेंस है, इसका मतलब कि जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं, व्हेन इन रियलिटी दे केम अबाउट प्योरली बाय चांस और बिकॉज ऑफ अनरिलेटेड फैक्टर्स, लेकिन जो हम निकल के आ रहा है वो बाय चांस आ गया या कोई इरोनियस इन्फरेंस है या किसी रैंडम या सैम्पलिंग एरर की वजह से निकल के आ रहा है। तो इस तरीके का जो एरर हम करते हैं, द रिस्क ऑफ कमिटिंग दिस एरर इज द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा यू चूज, यानी कि टाइप वन एरर को करने का रेट या टाइप वन एरर को करने का रिस्क ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, यही सबसे गूढ़ सत्य है जो निकल के आया। हम ये जनरली मान लेते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ और है और टाइप वन एरर कुछ और है, टाइप वन एरर को करने का रिस्क ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो कि पी वैल्यू है, जो कि अल्फा है और जो आप पहले ही सेट कर लेते हैं। और फिर एक दूसरी बात याद करने वाली, इफ़ द पी वैल्यू ऑफ योर टेस्ट इज लोअर देन द सिग्निफिकेंस लेवल, इट मीन्स योर रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड कंसिस्टेंट विद द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर आपके पी वैल्यू, मतलब टेस्ट की पी वैल्यू का मान सिग्निफिकेंस लेवल से कम आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आया वो सिग्निफिकेंट निकल आया, हम रिजेक्ट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ योर पी वैल्यू इज हायर देन द सिग्निफिकेंस लेवल, अगर पी वैल्यू का मान सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा आ रहा है, 0.05 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट है। तो टू रिड्यूस द टाइप वन एरर प्रोबेबिलिटी यू कैन सिंपली सेट अ लोअर सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि टाइप वन एरर को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमको सिग्निफिकेंस लेवल कम रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके अंदर आ जाएगी वो वैल्यू, है ना। उसी तरह से टाइप टू एरर, कि टाइप टू एरर मीन्स नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। तो ये फिर ये बात ये निकल के आती है बार बार कि नल हाइपोथेसिस को आप ये कहेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे या फेल टू रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कि ये टर्मिनल बात वही है, फेल टू रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना, लेकिन एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हैं वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। टाइप टू एरर का मतलब है कि एक्चुअली डिफरेंस था, एसोसिएशन था, लेकिन हमारा टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब आपका टेस्ट पावरफुल नहीं था। इसी को स्टैटिस्टिकल पावर कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पावरफुल टेस्ट लेके चलिए तो टाइप टू एरर आप कम करेंगे। लेकिन टाइप टू एरर जब आप कम करते हैं तो टाइप वन एरर आप ज़्यादा करने लगते हैं, ये आप आगे समझेंगे।
और जो स्टैटिस्टिकल पावर है टेस्ट की वो चार उसके डिटर्मिनेशन के कारक हैं, साइज ऑफ द इफेक्ट, इफेक्ट जितना बड़ा होगा डिटेक्शन उतना ईजिली होगा, मेजरमेंट एरर, जितनी ज़्यादा आप एरर करेंगे उतना डेटा मतलब पावर घट जाएगी, सैम्पल साइज, सैम्पल साइज जितना बड़ा लेंगे पावर उतनी ज़्यादा रहेगी, क्यों सैम्पल साइज बड़ा लेने से सैम्पलिंग एरर कम होती है, और सिग्निफिकेंस लेवल अगर आप बढ़ाएंगे तो पावर भी बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो बीटा घटेगा, लेकिन बीटा घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा, ये कहानी है। अब टाइप वन और टाइप टू एरर का इंटरफेरेंस, इंटर रिलेशनशिप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अगर हम लोअर सिग्निफिकेंस लेवल लेके चलते हैं तो टाइप वन एरर होने का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन टाइप टू एरर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर हम पावर बढ़ा के चलते हैं तो टाइप टू एरर होने का रिस्क घट जाता है, लेकिन टाइप वन एरर होने का रिस्क बढ़ जाता है। कैसे, इससे समझिए। ये कह रहे हैं कि ये आपके दो इन्होंने बना दिए एनपीसी, और ये वाला जो ग्राफ है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये चूंकि इतना पोर्शन बीटा है तो इतना पूरा वन होता है, तो इसमें से घटा दिया वन माइनस बीटा। उसी तरह से ये नल हाइपोथेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना पोर्शन अल्फा है तो वन माइनस अल्फा हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, वो अल्फा प्लस बीटा है, तो जैसे जैसे बीटा कम करते जाएंगे, मान लीजिए बीटा यहाँ ले आए तो अल्फा इतना बड़ा हो जाएगा, अल्फा इधर और कम कर दिया तो बीटा बड़ा हो जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा पूरी तरीके से कभी जाएंगे नहीं, अल्फा घटेगा तो बीटा बढ़ेगा, बीटा घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा। इट इज़ तो हम क्या करें, एक बैलेंस बना के चलेंगे, भैया ठीक हम इतना अल्फा रख लेंगे इतना बीटा रख लेंगे, क्योंकि पूरा तो हटा नहीं सकते। तो अब ये पता चल जाए कि कौन सी एरर ज़्यादा नुकसान दे, वही कम कर लें दूसरी बढ़ा लें। तो स्टैटिस्टिशियन ये मान के चलते हैं कि टाइप वन एरर ज़्यादा खराब होती है, वैसे प्रैक्टिकली दोनों ही खराब होती है, लेकिन टाइप वन एरर ज़्यादा खराब होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एजम्पशन ही गलत मान लेते हैं, मतलब टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, यानी कि डिफरेंस नहीं था और हमने मान लिया कि डिफरेंस है, तो ज़्यादा बड़ी गलती है। और जहाँ पे हम डिफरेंस है और हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, वो थोड़ी कम बड़ी गलती है, गलती दोनों है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और क्या है उसका, टाइप वन एरर से क्या संबंध है, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर एक दूसरे से क्या संबंधित है, ये आप समझ जाएं। तो अगर आप समझ गए होंगे तो मेरा प्रयास सार्थक रहा होगा। और पिछले लेक्चर में भी जो जहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता रही थी वहाँ भी थोड़ा सा एरर बताया था, लेकिन उसको छोटा करने के लिए, मतलब बहुत लंबा से बचाने के लिए, इसको दूसरी बार फिर से पिक किया। टाइप वन टाइप टू एरर कंसेप्ट भी अलग अलग है, अलग अलग पूछे जाते हैं, हाईली इंटर रिलेटेड है, क्योंकि टाइप वन एरर होने का रेट ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसको कि अल्फा कहते हैं, पी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो कुछ याद करना है, कुछ समझना है, और बड़ा ट्रिकी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपकी मतलब आसानी हो जाएगी, और नहीं तो जितनी बार भी याद करेंगे वो कभी साथ नहीं देगा वो ज्ञान। ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।